हेलो बच्चों, मैं रीता चौहान। आज हम करेंगे 7th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है समानता यानी कि इक्वालिटी। आप जब इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग ये क्यू से है। क्यू में सभी तरह के लोग खड़े हुए हैं और ये अपना इलेक्शन के टाइम वोट देने के लिए है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि इस लाइन में कोई किसान है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, छात्र है, घरेलू कामगार है, सभी तरह के लोग यहाँ पे हैं और अलग अलग धर्म के भी हैं। कोई मीडिया कर्मी है, कोई बेरोजगार है, कोई उद्योगपति है। इसका पिक्चर का दिखाने का मेन मोटिव यह है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, बड़ा हो छोटा हो, सब लोग जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मतदान का अधिकार सभी को समान है। लेकिन इसमें जो कांता देवी जो एक घरेलू कामगार है, वो सुबह जब वोट डालने जाती है और लाइन में लगती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो सभी तरह के लोग हैं। मेरे जो मालिक हैं, जिनके घर पे काम करती है वो भी है, और सब बड़े बड़े लोग हैं, साथ में जो हमारे साथ काम करने वाली है वो लेडीज भी हैं। लेकिन जब यही लेडी जो कांता देवी है, ये हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाती है और वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लगती है वहाँ पे ये खड़ी होती है, तो देखती है कि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब गरीब हैं। तो इस लाइन में और जो सुबह वोटिंग की लाइन थी उसमें इतना अंतर क्यों है? जब हम सभी समान हैं, वोट जो है सबको समान है अधिकार देने का, तो फिर इतना अंतर क्यों है? तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा स्टार्ट ही होता है, ये होता है मताधिकार की समानता को लेके। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा या स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक जो भारत देश का है, अगर वो आयु के 18 वर्ष पूरे कर चुका है तो उसे मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो या किसी भी रंग का हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। लेकिन इस समानता के बावजूद भी हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि यहाँ पे शादी के लिए ना एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं 3, और इसमें मेनली जाति पे फोकस किया गया है। कुर्मी क्षत्रिय, ब्राह्मण, तोमर राजपूत या अग्रवाल कन्या। तो हमारे समाज में जो प्रचलित असमानताएं हैं उनमें से एक है जातिगत व्यवस्था। जातिवाद को लेके एक बहुत बड़ी ही समस्या हमारे समाज के सामने है। हम एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, और वो लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर भी दर्द करने लगी। और फिर इनके जो पिताजी थे, उन्होंने इन्हें देखा स्कूल का ग्राउंड साफ करते हुए, तो इनका हाथ पकड़ के ले गए और मास्टर जी से बोला कि ये भी यहीं पे पढ़ेगा और इसके जैसे, यानी कि इसकी जाति से संबंधित बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसी ही जातिगत असमानता को दिखाने वाली एक दूसरी कहानी भी है, मिस्टर और मिसिज अंसारी की। इनको किराए के लिए कमरा चाहिए था। वो कमरा ढूंढते ढूंढते एक जो प्रॉपर्टी डीलर होते उनके पास गए और उन्होंने बोला कि हमें किराए के लिए कमरा चाहिए, और प्रॉपर्टी डीलर ने भी उन्हें बोला कि आपके लिए है, आप देखिए अगर आपको पसंद आता है। तो मिस्टर और मिसिज अंसारी को कमरा पसंद भी आया। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने उनसे नाम पूछा, तो नाम जानने के बाद उन्होंने कहा कि जो मांसाहारी जो व्यक्ति हैं उनको कमरे नहीं दे सकते। तो ये सुन के जो है दोनों दंपत्ति आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। लेकिन
उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि वे अगर अपना नाम बदल ले, बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रख लें तो शायद उनको कमरा मिल जाएगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा की ठेस को लेकर जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र में समानता के जो अधिकार है उसका हनन होता है। यहाँ पे एक फिल्म का जो है पिक्चर दी गई है। ये फिल्म थी दीवार फिल्म, जो 1975 में बनी थी। इस फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे भुगतान उसके आदर के साथ ही किया जाना चाहिए। तो कोई जूते पॉलिश करने वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, दोनों ही कामों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह अभी खत्म नहीं हुई है। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य कर दिया गया है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्न है। सबसे पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। उसका कोई जाति, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो कि एक छुआछूत बहुत बड़ी ही सामाजिक बुराई थी जो अब लगभग खत्म ही हो चुकी है। और इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। इससे बच्चों को ये लगता है कि हम जब साथ में एक लाइन में खड़े होकर भोजन ले रहे हैं, एक साथ में भोजन कर रहे हैं, तो उनमें कोई समानता, असमानता वाली कोई भावना नहीं आती है कि हम सब अलग हैं। उनको लगता है कि हम सब एक ही तो हैं, हम में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जो हमारे समाज में यह असमानता की बुराई है वो खत्म तो हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी बदलाव एकदम से नहीं होता है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों की सोच को बदलता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। जब तक समाज में यह सोच नहीं पनपेगी कि सब एक हैं, सब समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तब तक हम समानता को पूरी तरह से समाज में स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी और हम इसको अपने व्यवहार से ही शुरू करते हैं कि हम किसी को इस तरह की कमेंट ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना माने और ये सोचें कि सब बराबर है, कानून के नज़र में भी और भगवान की नज़र में भी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इक्वालिटी, उसका पार्ट 1 कम्प्लीट होता है और इसके बाद हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।